हाँ किसा? वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? एक्सीडेंट हो गया भाई। तो कैसा है अभी वो? अबे मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता, जब किसी के साथ कोई जानवर को कोई हादसा हो जाता है सारे जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये झूठे वीडियो बना रहा है मेरे बच्चे के लिए, कह रहा है कि वो वहाँ गिर गया, हम आगे निकल गए, हम पीछे निकल गए, हमने उसको देखा नहीं, हम टोल टैक्स पे पहुंच गए। सुन रहा है तू कहीं मेरी आवाज? तू जिस वीडियो में तू ये कह रहा है कि पीछे अगस्त का एक्सीडेंट हो गया, वापस नहीं जा सकता था तू? मैं कह रही हमारा अगस्त खुद गिर गया, मैं ये भी कह रही उसकी स्पीड थी, मैं सब कुछ कह रही, मैं अपने मन से कह रही, मैं कह रही 400 स्पीड थी मेरे बच्चे की, तू उसको छोड़ के भाग गया। खड़ा रहता वहां पर, मेरा भाई वहां पहुंचता, कहता अंकल अगस्त को ऐसा ऐसा हो गया, हम सबर करते। हमारे घर में आया तू, नमक हरामी करी तूने, खा के गया यहाँ पर, मेरे भाई के हाथ से उसके बच्चे को छीन के ले गया तू। जिस तरह से मैं रो रही हूँ, मेरा परिवार रो रहा है, उसकी माँ रो रही है, उसके बाप रो रहे हैं। तो गाइस इस क्लिप के बाद आप सभी देख सकते हैं कि अगस्त्या चौहान की फूफी मतलब बुआ कितना ज्यादा एंग्री है, मतलब गुस्सा है उस पर, मतलब अमीर माजिद के ऊपर। तो गाइस यार मैं अमीर माजिद का और सूरज वर्मा का दोनों का क्लिप दिखाऊंगा, और आप लोगों को क्या लगता है बस आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यार मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या होता है उसमें। तो आप लोग ना मतलब अमीर माजिद एंड सूरज वर्मा का क्लिप देख सकते हो पूरा, अगर प्रो राइडर 1000 का रियल फैन हो तो आप लोग पूरा देख के जाना, एंड गाइस यार पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा और आप कुछ कह पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो गाइस यार मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग पूरा देखो। बस आज ये फोटेज नहीं रही होती, जो बंदे को गलत लग रहा है, जो बंदों को गलत लग रहा है, वो वाले भाई भी देख लो, ये वाली फोटेज मैंने डाली थी, बट सब बोल रहे थे कि आमिर भाई इस क्लिप को पूरा रॉ डालो, एंड मैंने जहां पे कट लगाए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा, जहां पे अगस्त भाई मिरर में दिख रहा था मैं आपको वो भी बता दूंगा, जो मैंने जूम किया था वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप टाइमर चलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे ये पूरी की पूरी फोटेज में एक सेकंड के लिए भी कहीं पे भी क्लिप नहीं रुकेगी। तो जो भी बंदे ये कह रहे हैं कि मेरी बाइक के साथ अगस्त भाई की बाइक लगी है, ये बोल रहे हैं कि मिरर में दिख रहा था कि एक्सीडेंट हुआ बट तुमने उसको जूम कर लिया, या फिर तुम्हें पता था कि एक्सीडेंट हुआ है तुमने उसको जूम कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है एक्सीडेंट कहीं पे, आपने यहाँ पे जूम किया और आपको पता था कि यहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ और आप आगे निकल गए, वो सारी चीजें जो है भाई क्लियर हो जाएंगी ये क्लिप से, एक सेकंड के लिए भी ये क्लिप कहीं पे रुकेगा नहीं। ये सामने आप देख पा रहे हो, अभी हम इसे प्ले करने के लिए चाह रहे हैं। यहाँ पे अगस्त जो है वो मेरे साथ चल रहा है इस साइड में, आपको देख जाएगा यहाँ पे अगस्ता भाई मिरर में दिख रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लिप मैंने डाला था, थोड़े सेकंड में भी दिख जाएगा। यहाँ पे गस्ता भाई मिरर में देख रहे थे, ये रहे गस्ता भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये गस्ता भाई थे यहाँ पे। मैंने ये वाला जो क्लिप था वो मैंने कट करके जो स्पॉट था वो डाला था, बिकॉज ये बीच का मैंने नहीं डाला, और सारे के सारे ये देखो यहाँ पे गस्ता भाई है, अभी सारे के सारे भाई बोल रहे थे कि अगस्ता भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है वो 300 की स्पीड में हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा मीटर कहीं पे 300 टच नहीं हुआ, अगर अगस्ता भाई 300 में होते ना तो वो मुझसे ओवरटेक कर जाते,
कोई 300 में नहीं चल रहा था। मैं फिर बोल रहा हूँ कि उस दिन बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट चल रहा था, किसी ने अभी 300 नहीं मारा, सब राइड करने के लिए गए थे। अब ये वाला क्लिप जो है, ये क्लिप आप देख के समझ जाओगे, यहीं पे मैंने जूम किया था एंड सब बोल रहे थे कि आमिर भाई इस साइड वाले में शायद अगस्ता भाई का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे कहीं पे, एंड आपने वो क्रॉप कर दिया इस साइड, हमें नहीं दिखा रहे हो। तो ये अभी ये वाला क्लिप देख लो ड्रैगन नाम, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अभी कोई भी कट नहीं लगा कहीं पर भी और ये प्ले हो रहा है। ये यहाँ पे स्पॉट था, यहाँ मैंने जूम किया था, यहाँ पे जूम किया था मैंने, देख पा रहे हो क्या? तो ये चेक मारो यहाँ पे, ये वाला मैंने ऐसे जूम करके डाला था एंड ये आप एक बार फिर से देख लो फुटेज को अच्छे से, मैं रिपीट पे डालूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप मिरर्स देख पा रहे होगे, ये वाला मिरर दिख नहीं रहा है, ये वाला मिरर आप देख पा रहे होगे, इस वाले मिरर में कहीं पे भी अगस्ता भाई जो है वो नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे करके ये वाला आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं। एंड अभी स्पीड है 180, तो मेरा मेन फोकस जो था ड्रैगन आर्म वो सीधा आगे रोड पे था। भी आप जूम करके देख सकते हो एक बार, अगस्ता भाई कहीं पे भी पीछे नहीं दिख रहे हैं। तो अगस्ता भाई का, मैं अभी अपने घर आ चुका हूँ दिल्ली से लखनऊ, और आते हुए रास्ते में मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो चीजें वायरल थी, वो स्पॉट देखा जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वो सारी चीजें देखी। तो मैंने जो जो नोटिस किया वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वीडियो एंड करने से पहले, बिकॉज वो मुझे ज्यादा जरूरी लग रहा है कि आपसे डिस्कस किया जाए। सबसे पहली चीज, जेवर टोल से 35 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जेवर टोल से 8.7 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने सारी चीजें देखी कि वो साइन बोर्ड 8 किलोमीटर के आसपास ही था, ठीक है। उसके बाद ये लोग वापस लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तब हुआ था। और जो वो स्पॉट ऐसा है कि अलीगढ़ से एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ते हैं, मेन अलीगढ़ का एरिया उस साइड है, वहां से चढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे, बस वहीं पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। उस पे टाइमिंग, आज पुलिस को कैमरा भी मिल गया, मैंने आपको बताया था कि कैमरा ऐसे नहीं कोई उठाने आएगा, कैमरा उठाने के लिए हिम्मत चाहिए यार, क्रैश होने के बाद कोई बंदा घूम के वापस आएगा कैमरा उठाने, थोड़ा सेंसिबल नहीं लग रहा है। अगर उतना ही वो वापस आता तो वहां रुकता, वो घबरा के हो सकता है भाग गया हो। अगर वो, मैंने कहा था कि कैमरा नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, आप प्रॉपर खोजो जाके तो मिल सकता है। तो कैमरा पुलिस को मिल गया, उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसमें अगर से ने 200-250 कुछ ऐसी स्पीड जो है वो कवर की है, बट उसके बाद कैमरा बंद हो गया है और इतनी स्पीड पे उसका क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद गाड़ी स्लो हुई होगी, कुछ भी हो सकता है, बम्प आया हो, उसका हेलमेट लूज था, हेलमेट हो सकता है फंस गया हो जिसकी वजह से उसको दिखा ना हो, गिर गया हो लड़खड़ा के, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम जाने ना तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते। बट इसमें जो मेन पॉइंट था कि वो गिरा कैसे, इसको हटाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये एक आर्टिकल आया है, इसमें देखो लिखा हुआ है, पुलिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना जो है हाईवे पेट्रोलिंग टीम को 9:58 पे मिल गई थी, 10:02 बाकी हैं। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 तक की मिली है, मतलब 9:45 तक की रिकॉर्डिंग उसमें है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है, मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ सपोज मान लेते हैं 9:47, उसके बाद आमिर जो है उसने हिरॉक को कॉल करी, 1-2 मिनट और मान लेते हैं, ठीक है, तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिरॉक ने कॉल की जाहिर को, 1 मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो 1 मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। 1 मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की, मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है, समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है, सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया, ठीक है, 5 मिनट का डिफरेंस में। उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ बोलो, आगे निकल गए, क्या हुआ अगस्त का? तो कैसा है अभी वो? हमें मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। 5 मिनट के डिफरेंस में वो कितना आगे निकल आया था। एक वीडियो में उसने ये भी कहा है
कि मैं खड़ा होकर टोल पे उसका वेट कर रहा था कि कहीं वो बैटरी तो नहीं चेंज कर रहा पीछे गोप्रो की। तो अगर उन्होंने वेट किया होगा तो कितनी देर किया, एक मिनट, दो मिनट या एक सेकंड, दो सेकंड, कितना वेट करा? ठीक है, दूसरी सिर्फ 5 मिनट का खेल है, और अगर 5 मिनट के अंदर उसे पता चल चुका था कि क्रैश हुआ है तो वो 5 मिनट में उसके पास वापस पहुंच सकता था तुरंत के तुरंत। पॉइंट नोट कर लो। दूसरी चीज, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा जेवर टोल से जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के बीच में 2 कट मिले मुझे, जहां से आप इधर उधर जा सकते हो इजिली, प्रॉपर कट है, ऐसा नहीं आपको कुछ करना पड़े। तो टोल के बीच में मतलब 1-3 किलोमीटर के आसपास कट था और एक था 6 या 7 किलोमीटर के आसपास कट, वहां से भी वो कट ले सकता था, उसने कट नहीं लिया, उसने सीधे टोल पे जाके वेट किया कि बाकी के जो आगे राइडर हैं वो आ जाए, फिर गाड़ी यहीं खड़ी करके हम फिर जाएंगे उसके पास। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे तुरंत जाना था, उसे पता चल चुका था कि पीछे गाड़ी मेरे क्रैश हो रही है, ये सबूत मैं दे रहा हूं 100%। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर क्या क्रैश हो रहा था उसे दिखा, तभी इतनी जल्दी उसने कॉल करी है, ऐसे नहीं है। तो वो देख रहा था कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो वहां नहीं रुका, और अगर उसे 5 मिनट के अंदर सपोज चलो ना भी देखा हो, मैं कह रहा हूं एक पल के लिए हम मान लेते हैं, वैसे मानने वाली बात रह नहीं गई अब, बट एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा उसने नहीं देखा, तो 5 मिनट के अंदर उसे पता चल गया था कि एक्सीडेंट हो गया है, उसे 5 मिनट के अंदर ही अगर सर तक पहुंचना था जो नहीं पहुंचा। बाकी कई वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम, मतलब यानी मैं, हैरिश और कोई उसके घर नहीं गया, तो मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 10 वीडियो बना के पैसे नहीं कमाना चाहता इस चीज पे, एक वीडियो बना रहा हूं यही बहुत है। तो मैं उसका भी जवाब दे दे रहा हूं आपको कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी था, अगस्त्या के पास जाने के लिए रेडी था, मैं तब तक उसे खोज भी रहा था, हम सब रेडी थे एकदम। लेकिन जब हम घर आए, हमने सोशल मीडिया का हाल देखा, तो हमने देखा इतना हेट स्प्रेड हो रहा है, इतना हेट स्प्रेड हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं। हमें उस टाइम देहरादून जाना बिल्कुल सेफ नहीं लगा, हमें लगा भाई सब लोग गुस्से में, वहां पहुंचने के बाद कौन कैसा रिएक्ट करे हमें क्या पता, पब्लिक ही एकदम भड़क जाए कुछ कर दे, इसलिए हमें देहरादून जाना सेफ नहीं लगा, इसलिए मैं देहरादून नहीं गया। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, बाकी अगर कोई और किसी और रीजन से ना गया हो तो मुझे नहीं पता। हमने ऐसा ही सोचा कि भैया अगर हम इस टाइम वहां पे गए और कोई पब्लिक भड़क गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है उनकी फैमिली वालों से हम बाद में बात कर सकते हैं, उनकी फैमिली वाले हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम बाकी सारी सिचुएशन में उनकी फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा कि हम अगर गए तो चीजें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, बट हमें दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना था, तो इसलिए हम नहीं गए। बाकी अब अगर उनकी फैमिली वाला कुछ भी चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, या चाहता है कि हम किसी चीज में उनका सपोर्ट करें, तो हम बिल्कुल रेडी हैं, हम आगे आएंगे, सपोर्ट करेंगे, और चीजें खोजने में, जो चीज गलत है उसको समझने में उनकी हेल्प भी करेंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि एक परिवार का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, और उसकी चिता एक साइड जल रही है, लोग कैमरा पकड़ के पहुंच गए उसके परिवार से क्वेश्चनिंग करने, वहीं पे चिता जल रही है, वहीं पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, यार हद है एक्सट्रीम लेवल के चूतियापे की। मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं है अब इस सेंस में, मैंने अपना साइड रख दिया है, ठीक है, मुझे उसके जाने का बहुत गम है, हालांकि मेरी और उसकी एज में भी डिफरेंस था, इसीलिए हमारी बॉन्डिंग नहीं थी आपस में, हमने ज्यादा बात नहीं करी थी कभी, उसकी एज अमेरिकी एज सेम थी, उन दोनों की बॉन्डिंग हो रही थी, इसीलिए वो उसके साथ चला गया। बट ओवरऑल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पहली चीज, अब कुछ कहना नहीं है वैसे यार। तो गाइस जो कुछ मेरे पास आया था मैं आज सभी को शेयर कर दिया, यानी कि वीडियो अपलोड कर दिया, और जो भी मतलब ये आएगा, मतलब मेरे पास से अपडेट आएगा तो मैं आज सभी को दूंगा। अगर आप लोग मतलब देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा वीडियो आप लोग देख पाओ, और जो भी मिलेगा इन्फॉर्मेशन आगे से तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।